सांसद गंगानगर हो गया था। नया चीज नहीं है, हनुमानगढ़ ले लो सर। हाँ बोलिए अमित साहब। एमपी साहब बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज हमारे तक तो आ रही है जहां जानी चाहिए वहां। आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने दो बार नमस्कार बोला है साहब। मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ। आप लकी हो कि आपके वहां अभी कोरोना जो है उसको आप दूर रखा, इसके लिए बधाई के पात्र हो आप लोग। अभी गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग पहले बचा हुआ था, वो ग्रीन जोन है। इसके लिए मैं सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। जी बोलिए। अरे भाई बंद करो माइक बंद, बाकी लोग बंद कर दीजिए माइक को। मैं आपको मैं बधाई देना चाहूंगा सर। मैं अभी 5 मिनट पहले मैंने रेल मंत्री जी का एक ट्वीट देखा है कि रेल मंत्री जी ने 300 गाड़ियों की डेली चलाने की व्यवस्था की है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने जो प्रवासी जो पैदल आ रहे हैं जो राजस्थान में इंटर कर जाए उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा, तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो अगर रेल मंत्री जी से आपकी बात करके सारे प्रवासी अगर राजस्थान में ट्रेन से आ जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और प्रशासन को मालूम भी होगा बिहार जिले में कितने कितने लोग आए हैं। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि अभी हम लोग रबी की फसल निकाल रहे हैं, किसान अपने खेत में व्यस्त है। हमारे गंगानगर जिले में करीबन 100 मंडी जो जीएसएस का अगर हम लोग ले लें तो गौण मंडियां बनाई गई है और खरीद जो सेंटर है वो सिर्फ 20 है जहाँ पे गेहूं खरीदते हैं। तो गेहूं तो ऑनलाइन है और सरसों और चना ऑफलाइन है। मेरा आपसे आग्रह है कि गेहूं भी ऑफलाइन हो जाए क्योंकि जमा मंडी अभी भी जमा मंडी मांगते हैं। आपने 2008 में जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने यहाँ पे जमा मंडी की शुरुआत की थी। पहले जमा मंडी की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने राजस्थान में किसानों को प्रति क्विंटल के पीछे 100 रुपए उनको बेनिफिट दिया था, इसलिए जमा मंडी की जरूरत थी। लेकिन अब आपका लॉकडाउन है पूरा हरियाणा और पंजाब, बाहर से कोई गेहूं नहीं आ रहा, तो जमा मंडी की जरूरत नहीं है। किसान परेशान हो रहा है और प्रशासन भी परेशान हो रहा है। हर किसान को जमा मंडी देने में हाँ उसको 10 कागज देने पड़ते हैं तब जाके उसकी जमा मंडी होती है। अगर ये मामला अगर सरकार के लेवल का है आप सॉल्व हो जाए तो किसान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि तिलम संघ और राजफेड जो दो एजेंसी है सरकार की एजेंसी है वो गेहूं लेने में और चना और सरसों लेने में काफी दिक्कत खड़ी कर रही है। तो आप एक बार अफसरों को डायरेक्शन दे दें कि वो सही समय पे किसान का गेहूं आ जाए तो वो ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेहूं सही जो किसान लेके आ रहा है उनको पास दिया हुआ है। एक दिन में 10 दुकान खुलेगी ऐसा उनको पास दिया हुआ है। तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं ला रहे हैं लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको सही समय पे उनका गेहूं का तुलाई नहीं हो रही है। हमारे पास में वारदाना पूरा है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तिलम सिंह और राजफेड दोनों एजेंसी सही टाइम से अगर गेहूं ले लें तो उनका बेनिफिट मिलेगा। मेरा सर एक आपसे आग्रह है कि हमारे राजस्थान में अभी 2000 पोस्ट डॉक्टरों की वैकेंट है। आपके स्टेटमेंट भी भर्ती करें, मंत्री बैठे हैं, शुरू करें जल्दी। तो आप और ज्यादा अगर भर्ती करें जल्दी भर्ती हो जाए, इसकी प्रक्रिया थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए तो आपको सब लोग दुआएं देंगे। एक सर हमारा जो क्षेत्र किसी ने जो बॉर्डर पे है, अब हम लोग बॉर्डर पे बैठे, यहाँ पे बॉर्डर पे तैनात बीएसएफ है, बॉर्डर पे तैनात हमारी डिफेंस है, अन्य एजेंसी भी है, वहां पे कोरोना की क्या स्थिति है ये किसी को मालूम नहीं है। हम लोगों को उनको भी ध्यान देना चाहिए। मैंने स्वयं कलेक्टर साहब के माध्यम से वहां के ब्रिगेडियर कमांडेंट से मैंने बात की और उनको कुछ फैसिलिटी भी चाहिए थी वो भी हमने उपलब्ध कराई। कुछ अगर और भी चाहिए तो हम तो अपने लेवल पे करवा ही रहे हैं लेकिन सरकार के नॉलेज में रहें कि सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ और जो अन्य एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। सरकार के नॉलेज में रहना चाहिए, वहां पे कोई कोरोना का पेशेंट अगर एक भी आ जाता है तो आने वाले समय में दिक्कत होगी क्योंकि बीएसएफ के जो और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे कोई वेंटिलेटर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। हॉस्पिटल में जरूर है हमारे लेकिन बीएसएफ में और डिफेंस में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं है, तो आने वाले समय में कोई दिक्कत खड़ी नहीं हो जाए। सर मेरा लास्ट एक आपसे एक निवेदन है कि हमारे बीएडीपी का पैसा आता है केंद्र सरकार से, जो पैसा आता है और सरकार के माध्यम से लगता है उसको हमारा जो बॉर्डर के जिले उन सब जिलों में सर उन्होंने हेल्थ पे लगना चाहिए। वो हमने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया था, वो सारा का सारा हॉस्पिटल में आंगनबाड़ी में पीएससी सीएससी इनके सेंटर पे लग जाए
कोई जरूरी नहीं है भी हम लोग वहां में खड़बंजा बनाए। हम लोग अगर ये पैसा सारा अगर हेल्थ पे लगा दे इस साल के लिए तो इसका भी एक सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आखिरी में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सर पिछले बार जब ये अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत हुई थी उसे कोई भी भूखा नहीं रह रहा था। आपसे आग्रह, ये आप सरकार हो आपसे आग्रह, क्योंकि हम लोग आज जो कोरोना पे लेके बात कर रहे हैं बात करेंगे हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेके या आगे सरकार पीछे सरकार की बात को नहीं करके, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट एक ग्रामीण गांव के ग्रामीण तक जाएगा। मेरा आपसे ये आग्रह, आपने बात भी फोन पे सब एमपी से की है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले 10 दिन में 15 दिन में जैसे भी टाइम मिले आपको आप फिर वीसी में हमारे बात सुन लें। और इसके लिए आप सुबह से बैठे सर, आपको मेरी तरफ से धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, नमस्कार। गुरमीत सिंह कुंदर साहब, आप काम हो गया।